रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने शपथ पत्र में ऋण वापसी पर स्थगन मॉरेटोरियम के धारा 6 के अंतर्गत 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका कारण देते हुए आरबीआई ने कहा कि इससे अनुशासन कमजोर होता है और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि डिफॉल्टर अकाउंट से नॉन परफॉर्मिंग एसेट को डालने पर लगाई रोक हटा ले। इसका कारण यह है कि रिजर्व बैंक का नियामक अधिकार कमजोर होता है और प्रभावित भी हो रहा। बैंकिंग से लगा हुआ रियल एस्टेट सेक्टर स्ट्रक्चरल समाधान नहीं कर सकता। बैंकिंग नियामक प्राधिकरण ने अपने शपथ पत्र में यह भी आलोकित किया है कि आरबीआई ने कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव कम करने में प्रोत्साहित कदम उठाए। आगरा के गजेंद्र शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था और 9 अक्टूबर 2020 को रिजर्व बैंक ने शपथ पत्र दाखिल किया था। विशेषज्ञों की भी यही राय है कि जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि बैंकिंग से जुड़े मुद्दे को नियामक ना तोड़े, जिससे इनकी सर्वोच्चता बनी रहे।